Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to cover chapter 3 of class 12th, Flamingo Deep Water. The chapter is written by William Douglas and he has written his own experience in this chapter. Why the name is given Deep Water? Because for him the water was everywhere deep. He was so scared of water. So through this chapter he has told us how to overcome of fear. Any fear which we have in our mind, how can we overcome? So this is the chapter which gives us a good glimpse about working hard and overcoming from the fear of water. तो ये chapter deep water जो है वो William Douglas ने लिखा है, जो Maine Minnesota में पैदा हुए थे. After graduating with a bachelor's of art in English and economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. So this description is in Yakima itself. Yakima एक river है, वहाँ पर उनका जो description उसने दिया है वो वहीं का है. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. तो president Roosevelt जो थे वो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड था एंड ही वॉज वन ऑफ द वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी फेमस पर्सनैलिटी आई शुड से. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. डगलस एक राइटर ही नहीं बल्कि एक अच्छे एडवोकेट भी थे. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म जस्टिंग लास्टिंग 360 ईयर्स एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और उन्होंने 36 ईयर्स तक कोर्ट में जो है अपनी सेवाएं दी, तो वो एक अच्छे वकील साबित हुए. द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाई विलियम ओ डगलस. सो ये जो एक्सर्प्ट है उनकी बुक जिसका नाम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स है उससे लिया गया है. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल. ये बताता है चैप्टर कैसे लगभग वो डूब चुके थे एक स्विमिंग पूल में. इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. तो इस चैप्टर में वो हमें बताते हैं कि हाउ ही वॉज वेरी मच स्केर्ड ऑफ द वाटर एंड हाउ ही वॉज एबल टू ओवरकम फ्रॉम द फियर ऑफ दिस. इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. So this part is autobiographical. That means he is sharing his own experience of having the fear of water. तो autobiography जो होती है वो हमारी खुद की अपने experience को अपने ही pen से share करना करने को कहते हैं. Let us begin. It had happened when I was 10 or 11 years old. So story begins from his childhood. जब वो 11 या 10 years का था तब उसके साथ क्या घटित हुआ. I had decided to learn swim. To swim, मैंने decide किया कि मैं swimming सीखूँगा. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और वहाँ पर एक pool था जिसका नाम YMCA था Yakima में. उसने कहा कि ये एक अच्छी जगह थी जहाँ मैं इस opportunity को लेकर swimming सीख सकता था. The Yakima River was treacherous. ये धोखेबाज नदी थी. Why treacherous is being used? क्योंकि ये दिखती नहीं थी कि ये गहरी है बट ये बहुत गहरी थी. मदर कंटिन्यूसली वार्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. तो मेरी माँ हमेशा मुझे याद दिलाती रहती थी और वार्न किया करती थी कि ये जो है जगह बहुत खतरनाक है और कई सारे लोग डूबकर मर चुके हैं. सो हियर द चैप्टर गिव्स अ ग्लिम्प्स ऑफ द रिवर YMCA द पूल एंड द रिवर Yakima विच वॉज वेरी ट्रिचरस and many people had died over there, they had drowned. So this was the suggestion given by the mother all the time that he has not to go, he was not supposed to go over there. But the YMCA pool was safe, it was only 2 or 3 feet deep at shallow end. क्योंकि ये इसको design ही इसलिए किया गया था कि बच्चे वहाँ पर swimming सीख सकें, इसलिए ये सिर्फ 2 या 3 feet का गहरा था और इसके end जो थे वो shallow में उथले थे. And while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. Gradual means धीरे से स्लोप था. दूसरी तरफ ये 9 feet था लेकिन स्लोप ही था, धीरे धीरे वो गहरा होता गया था. I got a pair of water wings
एंड वेंट टू द पूल. तो राइटर बताता है डगलस कि उसने एक जोड़ वाटर विंग्स लिए और पूल पर गया. आई हेटेड टू वॉक, मुझे वॉक करना पसंद नहीं था. तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पिक्चर दी हुई है याकिमा रिवर की. सो दिस इज द याकिमा रिवर विच द एक्सपीरियंस ही इज शेयरिंग अबाउट. सो द याकिमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर. यू नो ट्रिब्यूटरीज मीन्स द रिवर्स दैट फॉलो द अदर बिग रिवर. जो बड़ी नदी होती है उसके पास छोटी छोटी जो नदियाँ निकलती हैं उन्हें ट्रिब्यूटरी कहते हैं. तो याकिमा भी उन्हीं में से एक थी. यूएसए में द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिगनस याकिमा याकामा पीपल. और ये नदी का नाम जो याकामा पीपल की वजह से याकिमा पड़ा. नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स. तो राइटर अपने आप को बताता है वो पतला दुबला था. वो उसमें एक जोड़ विंग्स लगाकर नेकेड ही पानी में कूदा. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. और फिर वो कहता है मैंने अपने गर्व को ऊंचा करते हुए ऐसा किया. फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द फियर थ्रू द वॉटर. एवर्जन मीन्स फियर. तो राइटर बताता है बचपन से ही उसके दिल में पानी से डर बैठा हुआ था. वेन आई वॉज इन इट, और जब भी मैं पानी में होता और डर जाता. दिस स्टार्टेड, कब ऐसा शुरू हुआ. वेन आई वॉज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड एंड फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया. अब वो हमें ये बताता है कि ये डर कहाँ से उसके दिल में आया. कहता है मैं 3 या 4 साल का था जब फादर मुझे कहाँ ले गए, या कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. तो बताता है हम लहरों के किनारे पर खड़े हुए थे. आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. कहता है मैं उनके साथ ही चिपका खड़ा था, पकड़ के खड़ा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, लहरें आईं और मुझे नॉक डाउन कर दिया, मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से होकर गुजर गई. सो यू कैन फील व्हेन ही वाज नॉट रेडी टू फेस द चैलेंज. द वेव्स केम एंड देवर इन सच अ फोर्स दैट ही फेल डाउन एंड दे स्वेप्ट ओवर हिम, उसके ऊपर से निकल गई. आई वॉज बरीड इन वॉटर, ही सेज दैट ही वॉज बरीड. वो दफन हो गया जैसे पानी में. माई ब्रीथ वॉज गॉन, और सांस रुक गई. आई वॉज फ्राइटन, और मैं डर चुका था. फादर लाफ्ड बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. फादर के लिए दिस वॉज वेरी नॉर्मल थिंग, ही स्टार्टेड लाफिंग. लेकिन तब से मेरे दिल में ये ओवर पावरिंग फोर्स जो होती है, जो बहुत ज़्यादा ताकत होती है पानी की, वो मेरे मन में बैठ गया था. एक डर बिठा दिया था उसने. सो माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स. तो राइटर कहता है तब से जब मुझे YMCA पूल दिखाई दिया तो इसने फिर से मेरे दिमाग में वही अनप्लेजेंट मेमोरी, कौन सी मेमोरी, ये वाली मेमोरी दोबारा से जगा दी. और मेरे दिल में फिर वही चाइल्डिश फियर, जो बचपन का भय था, वो वापस आ गया. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. कहता है लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. सो दिस ऑल ही टोल्ड व्हेन ही वॉज इन टू द वॉटर. सो ही टेल्स दैट ही स्टार्टेड पैडलिंग विद हिज वाटर विंग्स इन साइड द वॉटर, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम. एंड आई सॉ हाउ द बॉयज वर डूइंग, आई ऑल्सो कॉपीड दैम. जैसे लड़के तैर रहे थे वैसे ही मैंने भी किया. आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज. कहता है 3-4 दिन मैंने ऐसा ही किया. एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वॉटर. और उसके बाद मुझे पानी में थोड़ा ईज फील होने लग गया. व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. फिर क्या हुआ, तभी मेरे साथ वहाँ भी एक दुर्घटना घटित हो गई. तो टिल हियर द राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 प्लेसेस, 1 YMCA पूल, द अदर प्लेस याकिमा रिवर व्हेन ही वॉज स्मॉल एंड ही हैड गॉन विद हिज फादर नियर द रिवर व्हेन ही वॉज स्टूड. He was buried by the water because it was forceful and those waves had hit him so badly that there was a terror in his mind. So whenever he used to see the water, he used to get scared. I went to the pool when no one else was there. कहता है मैं पूल पर गया जब वहाँ कोई भी नहीं था. The place was quiet. The water was still. And the tiled bottom was as white and clean as the bathtub. तो कहता है पानी इतना साफ सुथरा था, नीचे तक दिखाई दे रहा था जैसे बाथटब में दिखाई देता है. I was timid about going in alone. मुझे अकेले जाने में थोड़ा timid में शाही या डर लग रहा था. So I sat on the side of the pool to wait for others.
इसीलिए मैं किनारे पर बैठ गया और वेट करने लगा कि लेट अस सी हाउ द अदर पीपल विल डू, देन आई ऑल्सो फॉलो दम. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय. कहता है अभी बहुत देर नहीं हुई थी मुझे बैठे हुए, तभी एक बिग ब्रूजर हट्टा कट्टा सा लड़का आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड. और उसकी एज कितनी रही होगी, ऑलमोस्ट ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड. ही हैड अ थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर काफ़ी बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन. तो राइटर कहता है कि हिज फिजिक वॉज सो गुड दैट यू कुड कॉल हिम अ स्पेसिमेन. अगर आपको किसी का एग्जाम्पल देना है, एक अच्छी बॉडी जिसकी हो, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते थे. द बॉय हैड सच अ ब्यूटिफुल फिजिक विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. और उसकी लेग्स और आर्म्स में मसल्स को रिपलिंग जो थी, अच्छी बनाई हुई मसल्स थी, वो देखी जा सकती थी. सो ही हैड अ गुड फिजिक. ही यल्ड, चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी टैग्ड. उसने उसको बुलाया, हे सुखे, मेरे साथ आओ, तैरना पसंद करोगे. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. और दिस इज वॉट हैपन्ड विद द राइटर. उसने उसे उठाया और ऐसे फेंक दिया, टॉस किया जैसे, और उसको डीप एंड, उस गहरे पानी की तरफ फेंक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. राइटर कहता है वो सिटिंग पोजिशन में ही गिरा, पानी उसके मुँह में भर गया क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं था, और सीधा बॉटम में पहुँच गया. सो द मोमेंट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, ही वॉज नॉट रेडी, ऑल ऑफ अ सडन दैट फैट बॉय हु हैड अ गुड फिजीक, ही टॉस्ड हिम इनसाइड द वॉटर एंड द बॉय वॉज इन अ सिटिंग पोजिशन एंड ही वॉज नॉट इवन इमेजिनिंग टू गो इन टू द वॉटर इन सच अ वे. सो ही स्वेलोड वॉटर एंड ही डायरेक्टली वेंट टू द बॉटम. आई वॉज फ्राइटेंड, राइटर कहता है डर गया मैं, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. लेकिन मैंने उस डर में भी अपनी विट्स को, अपने माइंड को कंट्रोल किया. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं डूब रहा था तभी मैंने रास्ते में ही प्लान किया. When my feet hit the bottom, I would make a big jump. कि जैसे ही मेरे पाँव नीचे जाकर लगेंगे, मैं सीधे एक बिग जंप लूँगा, कम टू द सरफेस, और सरफेस पर आऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर सीधा हो जाऊँगा, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडलिंग करते हुए पूल के किनारे पर आ जाऊँगा. सो दिस ऑल वॉज द प्लानिंग वेन ही वॉज थ्रोन इन टू द वॉटर बाई दैट बॉय. That all of a sudden, once he goes down, he will try to take a big jump. He will come out of the surface and he will be flat. And he will start paddling again to come out of the water. It seemed a long way down. Lekin rasta bahut lamba lag raha tha. Kyun lag raha tha? Kyunki usne saans rok rakhi thi. So when you hold your breath, you cannot hold for a longer time. Because he was inside the water. How could he hold his breath for so long? Those 9 feet were more likely 90. और जो 9 feet थे वो 90 feet से भी बड़े लग रहे थे. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. और कहता है जब मुझे लगा, जब मैंने bottom को छुआ तो मुझे लगा मेरे lungs जो हैं वो अब फट जाएंगे. But when my feet hit bottom, लेकिन जैसे ही मेरे पैर जो थे वो bottom को लगे, I summoned miss collected all my strength. मैंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया. And made what I thought was a great spring upward. और पूरा फोर्स लगा के मैंने स्प्रिंग मिस उछाल, मैंने अपने आप को अपवर्ड, ऊपर की तरफ उछाला. सो राइटर सेज व्हेन ही वॉज गोइंग डाउन बिलो द बॉटम, ही हैड लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ बिकॉज ही हैड बीन होल्डिंग हिज ब्रीथ सिंस लॉन्ग, एंड दैट वॉज लाइक 90 feet rather than looking 9 feet. But even then he tried. And he used all his strength and he jumped upward. I imagined I would bob to the surface like a cork. उसने सोचा कि मैं कैसे, जैसे एक ढक्कन नहीं होता तैर के ऊपर आ जाता है, वैसे ही मैं भी आ जाऊँगा. Instead I came up slowly. लेकिन मैं वैसे नहीं आया, because cork is very light in weight. And the boy was not that light. Though he was skinny, but he could not be lighter like cork. तो वो आराम से आया. I opened my eyes and saw nothing. जब मैंने आँखें खोली, किस लिए? He was expecting that he will be on the surface. But when he opened his eyes, he was inside the water, into the water, so he could not see anything. But water. लेकिन पानी.
वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी जो हल्का हल्का पीला था, तो लगातार जो पानी नीचे रहता है सरफेस में वो येलोइश हो जाता है। आई ग्रू पैनिकी, तो कहता है वो येलोइश वाटर अपने चारों तरफ देखकर मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लस्ट ओनली एट वाटर। तो जब हम परेशानी में होते हैं देन वी ट्राई टू ग्रैब समथिंग, कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसने भी अपने हाथ पांव इधर उधर मारे जैसे कि कोई रस्सी होगी वो उसे क्लच करेगा पकड़ेगा। बट वॉट केम टू हिम, he was only able to hold the water, there was nothing like that which could support him to come out of it. I was suffocating, ab mera dam ghut raha tha. I tried to yell, maine chillana chaha but no sound came out, lekin awaaz nahi aayi. Then my eyes and nose came out of the water, fir meri aankhein aur mera naak pani se bahar aaya but not my mouth, lekin mera muh bahar nahi aa paya. So that way he was able to come out of the surface, that he was able to see outside and he was able to breathe through his nose. I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. तो कहता है उस सरफेस पे आने तक मैंने मुंह में पानी भर गया था और मेरा गला चोक हो चुका था। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights. कहता है मैंने अपनी टांगे ऊपर लाने की कोशिश की लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर दम ना हो, पैरालाइज्ड, टांगों में जान ना हो एंड रिजिड, और वो बिल्कुल रिजिड हो चुका था। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से कोई फोर्स मुझे नीचे की तरफ खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वॉटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, सो इवन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द वॉटर ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द सर्फेस, हिज नोज एंड आईज हैड कम आउट ऑफ द वॉटर, बट इवन अगेन ही कुड नॉट कंट्रोल, ही कुड नॉट मैनेज हिमसेल्फ ऑन द सर्फेस, अगेन ही स्टार्टेड पुल्ड हिमसेल्फ डाउनवर्ड एंड ही वॉज अगेन गोइंग बिलो टू द वॉटर, टू द बॉटम ऑफ द पूल। तो कहता है मैं इस तरह से फिर से पानी के नीचे की तरफ चल पड़ा। I struck at the water and I went down, expending my strength as one in the nightmare fights an irresistible force. ऐसा लगा जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रहा हूँ और कोई ऐसी ताकतें जिन्हें आप रोक नहीं सकते वो आपको कहीं ले जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही कोई अननोन ताकत थी जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। I had lost all my breath, मेरी सांस कहता है टूट गई थी, because the water was not allowing him to breathe. माई लंग्स एक्ड, और मेरे फेफड़े दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, और सर में धाए धाए जैसी आवाजें हो रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी एंड राइटर वॉज ऑलमोस्ट डिजी। सो हियर वी कैन फील व्हेन ही वॉज कमिंग आउट ही हैड द नोशन दैट ही विल बी एबल टू कम आउट, बट हियर अगेन व्हेन ही स्टार्टेड फॉलिंग डाउन वी कैन फील दैट ही हैड लॉस्ट द होप, सो दीज ऑल थिंग्स वर हैपनिंग टू हिम। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. लेकिन मैंने फिर भी सोचा, मेरी वही प्लानिंग है कि मैं नीचे जाऊंगा और फिर से मैं कोर्क की तरह वापस सरफेस पर आ जाऊंगा। I would lie flat on the water, मैं पानी पर फिर से वैसे ही लेटूंगा। Strike out with my arms and thrash with my legs. अपनी आर्म्स और अपनी लेग्स दोनों से फोर्स लगाकर मैं बाहर आऊँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरह से मैं पूल की एज पर आकर सेफ हो जाऊँगा। सो अगेन व्हेन ही अगेन रिकलेक्टेड हिज स्ट्रेंथ व्हेन ही वॉज फीलिंग डिजी, देन ऑल्सो ही केप्ट ऑन प्लानिंग दैट वंस मोर व्हेन ही गोज ही विल टेक अ बिगर जम्प एंड ही विल ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस water and he will be safe. So here we can see that he had not lost his hope, he was keeping on trying though he failed once. I went down, down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. कहता है जब हम गहरे में चले जाते हैं तो पानी हमें बहुत डार्क लगता है, फिर जैसे जैसे मैं नीचे गया मेरी आंखें खुली हुई थी, कुछ भी नहीं देख पाया, मैंने देखा कि येलो ग्लो था, सिर्फ पानी में येलोइश कलर दिख रहा था और मैं उसके आर पार नहीं देख सकता था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल।
अब ये लाइनें बताती हैं कि जब ये सब हुआ, नाउ ही लॉस्ट हिज होप, और होप जब जाती है तो क्या जगह ले लेती है, टेरर, तो उसके ऊपर टेरर ने ओवरपावर किया और सारी अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल सब खो गया। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड, तो कहता है ऐसा टेरर मेरे ऊपर आया जो कोई भी नहीं समझ सकता था, ना ही कोई इसको एक्सपीरियंस कर सकता था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज हो चुका था। स्टिफ, जान नहीं थी। रिजिड विद फियर, डर से कांप गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और गले में मेरी जो चीखें थी वो वहीं फ्रीज हो चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कहता है मेरी हार्ट बीट मुझे सुनाई पड़ रही थी, जो मेरे सर में दिख रही थी मुझे, मीन्स आई वॉज फीलिंग माई हार्ट बीट इन माई हेड, दैट मेड मी फील दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। तो राइटर कहता है कि जब ये सब हुआ, जब मैं दोबारा पानी में गया और मैं अपने आप को जंप नहीं कर पाया, तब मुझे आतंक ने, भय ने जकड़ लिया और मैं पानी में बिल्कुल पैरालाइज हो गया, एक डेड बॉडी की तरह। सिर्फ मेरी धड़कने ही बता रही थी कि मैं अभी जिंदा था। सो ही हैज़ कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद अ डेड बॉडी वेयर ही वॉज नॉट एबल टू प्लान टू कम आउट ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द पूल, rather he was feeling that he was completely out of control and he could not come out of this water. So students, we will be covering this much in today's session. We'll continue in the other part of the chapter in part 2. So do not forget to subscribe the channel and hit the like button to keep yourself updated. We will soon meet in part 2 and we'll finish this chapter. Till then, take care.